हमारे चैनल पे लॉन्ग टर्म शेयर्स में, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, देखिए सब्सक्राइब के यहाँ पे लाल बटन है और बेल आइकन में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो की हमेशा सूचना मिलती रहे। विप्रो लिमिटेड, आज हम स्टॉक इस कंपनी के बारे में बात करेंगे। तो पहले मैं बता दूँ कि ये कंपनी करती क्या है। बहुत सारे लोगों को पता होगी, IT सॉफ्टवेयर की कंपनी है और अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, LED बल्ब्स वगैरह भी बनाती है। तो सर्विस ऑफरिंग्स में बेसिक मैं छोटा छोटा पढ़ देता हूँ ज़रा एक दो लाइन में, ताकि बहुत सारे लोगों को ना पता हो तो उनको इस चीज़ का अनुमान हो जाए। डेटा एनालिटिक्स एंड AI एप्लीकेशंस, डिजिटल ऑपरेशंस एंड प्लेटफॉर्म्स, कंसल्टिंग, क्लाउड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, और इंडस्ट्रीज़ में एरोस्पेस एंड डिफेंस, ऑटोमोटिव, बैंकिंग, कम्युनिकेशंस, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंज्यूमर पैकेज्ड गुड्स, इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर, इंश्योरेंस, मेडिकल डिवाइसेस। इस प्रकार से अलग अलग इंडस्ट्रीज को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है देश विदेशों में। तो ये तो रही विप्रो सर्विस और इसके रिटर्न। पहले मैं बात कर दूं कि जो रिटर्न है, रिटर्न इन रिटर्न्स को मत आप देखिए, क्योंकि ये अपने निवेशकों को सिर्फ स्टॉक प्राइस में जो इंक्रीज़ होती है प्राइस, उस वजह से नहीं रिटर्न मिलता, बल्कि बोनस के माध्यम से, बायबैक के माध्यम से, स्प्लिट के द्वारा कई जितने भी उसके टुकड़े होते हैं उस माध्यम से, डिविडेंट यानी कंपनियां जो लाभांश प्रतिवर्ष पे करती है, इस तरीके से अपने निवेशकों को ये देती रहती है। इस वजह से जो इसका स्टॉक प्राइस है ये थोड़ा कम ही रहता है, लेकिन फिर भी ऐसी कंपनी का जिसके अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, जो दिग्गज कंपनी है, उसको नेगेटिव बहुत ज़्यादा इसके रिटर्न्स नहीं हैं। आपने देखा होगा 10 सालों में दिया है तो 170% के रिटर्न अभी भी हैं, 5 सालों में 30% के हैं, 4 सालों में 25% के रिटर्न है, 3 सालों में 29%, 2 सालों में 33%, 1 सालों में 25%। यह टिल डेट 8 और 6 महीने पहले जिन्होंने पैसे लगाए उनको भी 3.5% के रिटर्न है, लेकिन 3 महीने पहले जिन्होंने पैसे लगाए और 1 महीने पहले जिन्होंने पैसे लगाए उनको थोड़ा सा नेगेटिव में रिटर्न है 1 वीक, और आज जो है 3.5% की अपसाइड है लगभग, क्योंकि आज इनके कल रिजल्ट्स आए थे और इस वजह से इसमें थोड़ा सा पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिले। अब हम देखते हैं कि ये कंपनी किस प्रकार से अपने निवेशकों को बायबैक और बोनस के माध्यम से, तो पहले बोनस की एक हिस्ट्री भी दिखाऊंगा आपको कि आज जो, अच्छा हाँ यहाँ देख लेते हैं, आज जो प्राइस ट्रेड हो रहा है 268 रुपये, 8 रुपये की अपसाइड है, और साल का जो लो था 197 यानी 197 और हाई था 301 रुपये। वर्तमान जो स्थिति है कंसोलिडेटेड हम देख रहे हैं, मार्केट कैपिटल इसका है 161,717 करोड़ का, और अर्निंग पर शेयर है 14 रुपये के आसपास, पी रेशियो 17.96 जबकि इंडस्ट्री पी है 22 की, और बुक वैल्यू 93 की है, फेस वैल्यू 2 की अभी भी है, प्राइस टू बुक है 2.85 और डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, डिलीवरेबल है 29% के आसपास है। तो इस वजह से हम पहले फाइनेंशियल भी देख लेते हैं। जून 19 यानी ईयर ऑन ईयर अगर हम कंसोलिडेटेड कंपेयर कर रहे हैं, तो जून 18 में जो 13,977 करोड़ की थी, वहीं जून 19 में हो गई 14,716 करोड़, यानी 5.28% की अपसाइड है। इसी प्रकार ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी 9.66% की अपसाइड है, इंटरेस्ट भी कम हुआ है। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट भी जहां जून 18 में था 2120 करोड़ का, वहीं जून 19 में हो गया 387 करोड़ का, यानी 12.58% की अपसाइड है, और वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी 1.05% की अपसाइड है। तो ईयर ऑन ईयर ज़बरदस्त रिजल्ट्स हैं, लेकिन अगर हम मार्च 19 से और जून 19 यानी क्वार्टर वन में कंपेयर करते हैं, तो जहां नेट सेल्स थी 15,006 करोड़ की, वहीं जून 19 में रह गई 14,716, यानी 1.93% की डाउनसाइड है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी 9.60 की डाउनसाइड है, और नेट प्रॉफिट में भी जहाँ मार्च 19 में थी 2483 करोड़ के आसपास की, वहीं जून 19 में हो गई 2387, यानी 3.86% की डाउनसाइड है, और मार्जिन में भी 1.57% की डाउनसाइड। तो जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं क्वार्टर दर क्वार्टर, उसमें थोड़ी सी डाउनसाइड है, लेकिन ईयर ऑन ईयर ज़बरदस्त रिटर्न है। तो अब हम बायबैक की बात करते हैं। बायबैक के जो जिनके पास 21 जून 2019 के पहले इनकी ख़रीदारी है स्टॉक्स के, उनको इसका लाभ मिलेगा। बायबैक अमाउंट इन्होंने टोटल जो अनाउंस की हुई है 10,500 करोड़ की, और जो बोर्ड मीटिंग में अनाउंसमेंट डेट थी 16 अप्रैल, एंड बायबैक साइज़ है 5.35%,
और नंबर शेयर्स तो खैर है ही, फेस वैल्यू 2 की है, और 325 रुपये पर शेयर के हिसाब से ये बायबैक करेंगे। अभी भाव चल रहा है 268 के आसपास, तो शेयर जिनको भी जितने भी शेयर्स बेचने होंगे या कंपनी के हिसाब से किस रेशियो से शेयर्स लेती है उनको पर शेयर के हिसाब से 325 रुपये के हिसाब से उनको लाभ मिलेगा पर शेयर के हिसाब से निवेशकों को। अच्छा, ऐसी कंपनियां जो जिनका स्टॉक प्राइस तो बहुत ज़बरदस्त नहीं भागता लेकिन वो बोनस के माध्यम से, अब देखिए बोनस की झड़ी लगी हुई है 2019 में, मतलब 18 जनवरी 2019 को भी 3 शेयर्स पे 1 शेयर दिया हुआ है, 17 में भी दिया हुआ है 1:1, यानी कि जिनके पास 1 थे उनके डबल हो गए, और 2010 में भी बोनस दिया हुआ है, 2005 में भी दिया हुआ है, 2004 में भी दिया हुआ है, 1997 में भी दिया हुआ है। इस तरीके से 1971 से लगातार जब भी कंपनी को लगा बोनस के माध्यम से लोगों के शेयर देते रहे बोनस के माध्यम से, तो उनके शेयर्स डबल होते गए, ट्रिपल होते गए, कई गुना होते गए। तो ये है कंपनी, और बायबैक के माध्यम से जो भी उनके पास कैश फ्लो रहता है उससे वो अपने कंपनी बायबैक के शेयर्स खरीदती है, मतलब उसको रीपर्चेस करती है। इससे कंपनी को ये फ़ायदा होता है कि थोड़ी सी उनकी होल्डिंग स्ट्रांग होती है, प्रोमोटर्स के पास ज़बरदस्त एक होल्डिंग आ जाती है, और ईपीएस में भी काफ़ी इजाफा होता है। तो फ्रेंड्स, एक ज़बरदस्त कंपनी है विप्रो, जो लोग इसमें बने हुए हैं उनको बायबैक के माध्यम से ज़रूर कुछ ना कुछ मिलेगा। रिकॉर्ड रेट थी 21 जून 2019, और इस तरीके से ऐसी कंपनियां किसी न किसी प्रकार से अपने निवेशकों को मालामाल करती रहती हैं। अब यहाँ पे देखिए, पिछले साल नहीं, इसी साल 19 जनवरी 2019 को 1 रुपये पर शेयर के हिसाब से इन्होंने जो है डिविडेंड पे किया था, और अपनी इंडस्ट्री में थर्ड नंबर है। टॉप सेगमेंट्स में आईटी सर्विसेज, जैसे 95.76% की इनकी रेवेन्यू आती है, और आईटी प्रोडक्ट्स से 2.07% की है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर हम देखें तो प्रमोटर्स के पास ऑलरेडी अभी 73.85% की ज़बरदस्त होल्डिंग है, और कोई भी शेयर गिरवी नहीं। फॉरेनर्स देखिए 652 है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और म्यूचुअल फंड्स की भी 27 स्कीम्स हैं, LIC भी अपनी है, इंडिविजुअल्स हैं 5.09% जो खुदरा ग्राहक हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं यहीं वीडियो वाइंड अप करता हूँ। रिजल्ट्स इनके अच्छे आए हैं, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी सुझाव हो, कोई भी कॉमेंट हो, तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर कह दें।